मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता, मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता, ये बयान है अटल युग के और वर्तमान बीजेपी के बड़े नेता, एमपी के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का। इन्हें हटाकर भाजपा ने मोहन यादव के हाथ में एमपी की सत्ता दे दी है, लेकिन मोहन यादव से ज्यादा चर्चा शिवराज सिंह चौहान की हो रही है। सीएम पद से त्याग पत्र देने के बाद उनके चाहने वाले भावुक हैं। वसुंधरा राजे और अमन सिंह, इन दोनों को भी पार्टी ने इस बार सीएम नहीं बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शिवराज की है। लोगों के बीच सबसे ज्यादा दीवानगी शिवराज सिंह चौहान की देखने को मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में थे, कल जेपी नड्डा का कॉल उन्हें गया था, मुलाकात के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि आखिर शिवराज और जेपी नड्डा के बीच क्या बात हुई। शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर साझा किया और बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत की। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मुलाकात के दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण और जन सेवा के विषय पर बात हुई। सेवा ही संकल्प है के ध्येय से भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित हैं। नड्डा से मुलाकात के बाद से शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी जहां भेजेगी मैं चला जाऊंगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि साउथ जाऊंगा। पहले उनका ये बयान आपको सुनवाते हैं। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान के साउथ वाले बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जब पत्रकार, आम जनता, यहाँ तक कि भाजपा के नेता ये मानकर चल रहे थे कि एमपी में इस बार भाजपा हार रही है, ऐसे में एमपी के अंदर भाजपा को जीत दिलाने वाले अगर कोई हैं तो वो शिवराज है। बीजेपी ने उन्हें सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया था, इसके बाद सिर्फ उन्होंने ताबड़तोड़ रैली की, जी तोड़ मेहनत की और भाजपा को अपने राज्य में जीतवा दिया। ऐसे में क्या शिवराज अब वहां जाने वाले हैं जहां भाजपा कमजोर है, क्योंकि एमपी में तो जीतवा चुके हैं। एमपी में जीत दिलाने के बाद शिवराज को साउथ में भगवा लहराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके इस बयानों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा आज शिवराज से ये भी पूछा गया कि आप सीएम पद से हटने के बाद भांजे और आपकी जो बहनें हैं वो बहुत भावुक हैं। इस पर शिवराज ने क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। तो शिवराज की लोकप्रियता को देखकर भी यही लगता है कि वो भले ही सीएम ना हो लेकिन जनता और उनके संबंध जो हैं वो अमर हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।